लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है, हिम्मत की हद से गुजर जाने में मजा आता है। समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे। समयबद्धता के साथ जीत जाने में मजा आता है। थैंक यू। 46 ईयर अ मैथमेटिशियन, एक लड़का 46 साल की उम्र में जब हुआ एक बेहतरीन मैथमेटिशियन बना, मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट बना। उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बिहार के एक छोटे से राज्य था, लेकिन उसने ये सोचा कि यदि मैं जिम्मेदारी लूँ अपने बिहार के समुदाय के कुछ लोगों की, जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं महंगी एजुकेशन लेने के, और मैं उनको पढ़ाने के ऊपर प्रयास करूँ तो शायद मैं समाज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, समाज में कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ। तो बिहार का आनंद कुमार जो बिहार में रहता था, उसने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उस इंस्टीट्यूट का नाम है सुपर 30। और आप जानते हैं सुपर 30 पर एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी बनी है। यस और नो? बिहार के आनंद कुमार ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं फ्री एजुकेशन दूंगा उन स्टूडेंट को जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास बैकग्राउंड नहीं है, जिनका फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो उनको एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर सकें। और उसने एक सुपर 30 के इंस्टीट्यूट की स्थापना की और ये इंस्टीट्यूट नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये प्रॉफिट लॉस के लिए काम नहीं करेगी, ये समाज के हित में काम करेगी। और जब उस व्यक्ति ने ये काम करना शुरू किया तो उसके सामने बहुत सारी परेशानियां आईं और उसने एक बहुत बड़ी परेशानी को भी हल किया। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि उनके लिए बेसिक बुनियाद की ज़रूरत थी कि उनको खाना चाहिए, उनको रहना चाहिए, उनको अच्छे कपड़े चाहिए। और उस व्यक्ति ने ये डिसाइड किया कि मैं उनको केवल एजुकेशन नहीं, उनको अच्छा रहन सहन, अच्छा भोजन, एकोमोडेशन प्रोवाइड करूंगा, और प्रोवाइड करना शुरू किया। सन 2002 में आनंद कुमार के इंस्टीट्यूट से 18 बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए आउट ऑफ 30। उसने पूरे बिहार से 30 स्टूडेंट्स को लिया और उन 30 स्टूडेंट्स में से 18 स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज थे, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, लेकिन आनंद कुमार ने ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन बच्चों को ट्रेन किया और 18 बच्चे 2002 में सिलेक्ट हुए। 2004 में ये रेशो बढ़ गया, 22 बच्चे 30 में से IIT और JEE की तैयारी में बैठे और वो पास आउट हुए। और सन 2008 से लेकर 2010 तक सुपर 30 बन गया। अगले लगातार 3 साल तक IIT और JEE में लगातार 30 में से 30 स्टूडेंट ने रैंक हासिल किया, सफलता हासिल की। फ्रेंड्स, ये सुपर 30 उस समय लोगों की निगाह में आया जब उसने देखा, समाज के लोगों ने देखा कि वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसके बावजूद भी ये स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो IIT और JEE की तैयारी कर सकें। उसके पीछे का इतिहास उठा के देखा तो आनंद कुमार ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था उन बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज थे। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ समय बाद उनके सामने आया और कुछ ही समय बाद आनंद कुमार को फंडिंग की गई। किससे? बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने 5 करोड़ का गिफ्ट चेक उस व्यक्ति को दिया जिसने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए काम किया। और उसके बाद जब ये बात और फेमस हुई, धीरे धीरे लगातार लोगों का क्रम बढ़ता गया, लोगों का रुझान बढ़ता गया, और हाईली कैपेबल लोग, हाईली एजुकेटेड लोग अपने बच्चों को ऑन रिक्वेस्ट लेकर पहुंचे कि हम ये चाहते हैं कि सुपर 30 में आप हमारे बच्चों का एडमिशन लें, आप जितनी फीस चाहेंगे उतनी फीस देंगे, जो आप चाहेंगे वो आपको देंगे, आपको पैसा चाहिए, आपको एजुकेशन के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको टूल्स इक्विपमेंट चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको लाइब्रेरी चाहिए, आपको एयर कंडीशनर रूम चाहिए, हम सब आपको देंगे, पर आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ। और आनंद कुमार ने रिजेक्ट कर दिए वो सारे प्रपोजल, क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में सुपर 30 जो बनाया वो उनके लिए बनाया था जो अंडर प्रिविलेज थे। इस स्टोरी को देखने के बाद पूरे भारतवर्ष में एक भूकंप आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे लेकर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, केवल अपनी शिक्षा उन विद्यार्थियों को देगा जो अंडर प्रिविलेज थे। इस बात को देखने के बाद सुपर 30 एक एक्सक्लूसिव मूवी डिजाइन हुई और यह मूवी फर्स्ट शो में ही 50 करोड़ का बिजनेस पार कर गई। आज
वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में इनके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और आज भी इनका यही निर्णय है कि यदि मैं कुछ करूंगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा उन लोगों की जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता उनको मैं प्लेटफॉर्म दूंगा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वही अपने जीवन में एक नया माइलस्टोन क्रिएट करते हैं। और जरूरी नहीं आपको लगे अब तो सुपर 30 बन गया, अब मैं क्या बनाऊं। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लेना चाहें अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए या समाज के लिए। लेकिन जो लोग समाज को देते हैं, एक कम्युनिटी को देते हैं, उनको कई गुना वापस मिलता है।